आपके परमे नंबर 9.1 और 9.2। देखो ध्यान दो, पहले 9.1 में क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। आपको सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, विभाजित करता है। देखो इधर पहले समांतर चतुर्भुज बनाना है, ये है आपके समांतर चतुर्भुज जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी और ये हो जाएगा डी। इसका एक विकर्ण है, कोई से भी तरफ एक विकर्ण खींचना है, या तो ये वाला खींचो या ये वाला, ये वाला खींचो, ये इसका एक विकर्ण है। ये विकर्ण इसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो है वो कैसे सर्वांग सम। आपको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए, सर्वांग सम। देखो सबसे पहले तो सवाल में क्या हुआ? बताओ क्या दिया हुआ है कि एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें विकर्ण कौन सा है, जिसमें विकर्ण दे रखा है एसी। विकर्ण कौन सा दे रखा है? एसी विकर्ण है, ठीक है। हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है, कि ये जो समा ये विकर्ण है ये इस और इस त्रिभुज को क्या करता है, समांतर त्रिभुजों में बांटता है, मतलब त्रिभुज ए बी सी समान सम है, त्रिभुज ए डी सी सी डी है, सी डी ए या ए डी सी लिखो, ए डी सी के, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति में दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम लीजिए, एक त्रिभुज लेंगे ये और एक त्रिभुज लेंगे ये, क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी से, दोनों में कितनी चीजें बराबर कर दो, तीन चीजें बराबर कर दो, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, बताओ क्यों बराबर है, समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर। इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा कैसी है, बराबर। AB बराबर क्या है, CD। इस त्रिभुज की तो AB भुजा और इस त्रिभुज की CD बराबर है CD भुजा, कौन सी भुजा, CD। देखो AB और CD तो आपको नाम से लिखना है, ऐसे लिखना है, CDA लिखना है इसका, CDA। देखो AB नाम दोनों आगे के, CD नाम दोनों आगे के, बताओ ये दोनों बराबर क्यों है, क्या कारण है, समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं हैं, सम्मुख भुजा और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसी होती है, बराबर। आगे सुनिए दूसरी, बताओ इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, ये भी समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं हैं, सम्मुख भुजा। इस देखो एबीसी में कौन क्या नाम है, बीसी, एबीसी में तो क्या नाम है, बीसी, और इसमें क्या नाम है, डीए या एडी लिखो, बीसी बराबर क्या है, डीए। ये भी क्यों है, ये कारण लिखना है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ओके। तीसरी बताओ, देखो ये वाला विकर्ण उभयनिष्ठ, ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है और ये इस त्रिभुज में, एसी बराबर क्या है, एसी बराबर क्या है, देखो एसी नाम इसमें भी आ रहा है और एसी नाम इसमें भी आ रहा है, क्यों बराबर है, ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ भुजा कॉमन भुजा, ठीक है। और जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, नियम कौन सा लगा, तीनों भुजाएं हैं एस एस एस, नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समान सम है त्रिभुज सी डी ए के। आगे सब समझे, ये सिद्ध करना था, ये विकर्ण इसको कितने सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, आगे समझे। अब देखो दूसरा नंबर दो, वो वाली परमे 9.2,
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर। ये सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, पहले चित्र बनाओ। ये बनाया मैंने चित्र, समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाना है। बताओ ये एबीसीडी क्या है? एक समांतर ए बी सी डी। सबसे पहले तो सवाल में बताओ क्या दिया हुआ है। एबीसीडी क्या है? एक समांतर समांतर चतुर्भुज लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ए बी सी डी एक है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। आगे समझे, समांतर चतुर्भुज हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? इसकी आमने सामने भुजाएं कैसी होती है? ए बी बराबर क्या होता है? सी डी। ए बी बराबर होती है सी डी। दूसरी बी सी बराबर क्या होती है? ए डी बराबर होती है बी सी। ये सिद्ध करना। अब देखो इसके लिए हमें काम करेंगे रचना। क्या रचना करेंगे? एक विकर्ण बनाएंगे, एक विकर्ण देंगे हम एसी। विकर्ण लेंगे कौन सा? एसी। विकर्ण कौन सा लिया हमने? एसी। यहाँ से लिख दो, विकर्ण मत लिखो। ए को किससे मिलाया? ए को सी से मिलाया, मतलब एक तरह से विकर्ण ही है। ए को किससे मिलाया? सी से। अब ये और ये बराबर करनी, ये और ये बराबर करनी, इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा? सर्वांग सम। सर्वांग सम कर दो, भुजाएं कैसे हो जाएगी? बराबर। नाम लिखो त्रिभुज ए, उपपत्ति में देखो, उपपत्ति में दो त्रिभुज लेने। ए का नाम तो क्या है? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए। नाम से लिखने पहले बताया सी डी ए, ये ए बी सी। ठीक है, अब देखो दोनों में कितनी चीजें बराबर करनी है? तीन। देखो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं कैसी होती है? समांतर। बराबर तो में करनी है, कैसी होती है? समांतर। ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा इसके समांतर होती है समांतर चतुर्भुज में। देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर। इस त्रिभुज का ये तो कोण नंबर एक और ये कोण नंबर दो, क्यों होगा बराबर? रेखाएं समांतर, तीरे रेखा काट रही है, एक बन रहा है उधर और एक बन रहा है इधर। अगर कौन से कोण है? एकांतर कोण। इस त्रिभुज का तो कोण नंबर एक बराबर है किसके? कोण नंबर दो के। क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। एक और, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला, इस त्रिभुज का तो तीन नंबर और इस त्रिभुज का चार, ये भी कौन से कोण है? कोण नंबर तीन बराबर है कोण नंबर चार, कोई कारण क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। आगे और तीसरी बताओ। अरे ऐसी उभयनिष्ठ है ना, जैसे इसमें थी ये भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है और ये भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है, मतलब क्या है? एसी बराबर है एसी, क्यों है? उभयनिष्ठ। बताओ जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। नियम कौन सा लग गया? एस ए एस भुजा कौन भुजा कौन भुजा ए एस ए, ये कौन फिर भुजा आ गई फिर कौन आ गया, कैसे लिख दो? ये कौन और फिर क्या आ गई भुजा, कौन सा लग गया? ए ए एस। नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। अगर सर्वांग सम है तो इनके सभी भाग क्या होंगे? बराबर। ये वाली भुजा किसके बराबर? ए बी बराबर किसके हो जाएगी? सी डी के। ये वाली भुजा इसके बराबर? ए डी बराबर किसके हो जाएगी? और दोनों की हो जाएंगे बाय सी पी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर। आइए समझे।